الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد इंशाल्लाह ताला आज मैं आपके सामने सूरह आला जो कि कुरान मजीद का 87 नंबर का सूरह है, 87 नंबर का सूरह है और सूरह आला में जो है 19 आयतें हैं। तो इंशाल्लाह ताला इन 19 आयतों का मुख्तसर सा आपके सामने तफसीर रखी जाएंगी, इसका तर्जुमा आपके सामने। और मुफस्सिरीन ने इकराम ने जो कमेंटेटर्स हैं कुरान मजीद के, उन्होंने आसान ज़ुबान में हमारे लिए इसको पेश कर दिया। अब ज़रूरत है हमें इसे पढ़ने की, समझने की, अमल करने की और दूसरों तक पहुंचाने की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सूरह आला ये 87 नंबर का सूरह है कुरान मजीद में। जिस तरह हम जो है तरतीब वार यानी सीरियल वाइज हम सूरह कुरान मजीद के चैप्टर्स की तफसीर यानी उसका तर्जुमा यानी ट्रांसलेशन और तफसीर यानी कमेंट्री देखते आ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि इसमें अल्लाह सुभान व तआला ने हमारे लिए क्या मैसेज रखा है। क्योंकि कुरान मजीद ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, हमारे रब की, हमारे रब्बुल इज़्ज़त की, उस गॉड की जिसने हम सबको बनाया है, जो हम सबका पालनहार है, उसने ये आखिरी किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुंचाई। अब हमारा काम है कि हम इसको पढ़ें और दुनिया तक लोगों को पहुँचाएँ। चलिए तो सूरह आला की पहली आयत की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं। सब बिस्मा रब्बिकल अला, अपने रब के नाम की तस्बीह कर जो सबसे बुलंद है। तस्बीह कहते हैं प्रेज को, प्रेयर करना, बढ़ाई करना, यानी अल्लाह ताला के नाम की बढ़ाई करो, उसके नाम की जो है माला जपो, यानी उसको याद करो और उसकी तारीफ करो और उसको कसरत से याद करो और ऐसे अंदाज से याद करो जो बेटर से बेटर वे में खुद अल्लाह ताला ने कुरान में हमको सिखाया या प्रेषित मोहम्मद यानी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी जीवनी में हमको बताया कि ईश्वर को कैसे याद किया जाए, अल्लाह को कैसे याद किया जाए, अल्लाह ताला की तारीफ कैसे की जाए। ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स अल्लाह के लिए यूज़ करें जो उसके शान को ज़ेबा ना देते हों, यानी जो उसको सूट ना करते हों। तो ऐसे अल्फाज, ऐसे नाम और ऐसी तारीफ उसकी की जाए जो कुरान ने हमको सिखाई है, तो उसे उस लिहाज से, उस जो है हम कहेंगे क्राइटेरिया से उसको पुकारा जाए, तो अल्लाह ताला की तारीफ़ करना चाहिए। जब भी इस आयत के बारे में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सूरत पढ़ते तो कहते सुबहान रब्बियल आला, ऑल प्रेज टू आला, जो सबसे बुलंद है, जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे ऊपर है, जो सबको पालने वाला है, यानी अल्लाह। तो वो अल्लाह की तारीफ करते और लोगों को भी यही सिखाया। इसी तरह नमाज में हम जब सजदे में जाते हैं तो हम कम से कम 3 बार कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, तो ऑल प्रेज टू अल्लाह, ये हम पढ़ते हैं। आला ये अल्लाह ताला की तरफ इशारा है, जो सबसे बुलंद है, सबसे ऊँचा है। आगे कहा अल्लज़ी खलक फसव्वा, और जिसने पैदा किया पस दुरुस्त बनाया। इसी तरह की आयतें हम पिछले सूरतों में, पिछले चैप्टर्स में कुरान के देख चुके हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत अच्छे से बनाया। अल्लज़ी खलक फसव्वा, और जिसने इंसान को पैदा किया और बेहतरीन, बेस्ट क्रिएशन बनाया, जैसे सूरह सजदा की आयत नंबर 8 में भी है अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन, के वो जिसने पैदा किया, खूबसूरत पैदा किया, जिसने बनाया यानी अल्लाह ने जिस चीज़ को बनाया बेहतर बनाया। अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलका, हर चीज़ जो उसने बनाई बेटर वे में बनाई। और हम देखते हैं कि अगर आप एम्ब्रियोनिक जो स्टेजेस हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट में किस तरह होता है, सोनोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी की हेल्प से जिस तरह से हम उसके पिक्चर्स को देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि बच्चा जब पूरी तरीके से अभी बना नहीं है, अभी पूरी तरह से वो फॉर्म नहीं हुआ है, तो उससे पहले वो किस तरह नज़र आता है, एकदम बदसूरत, जिसका कोई शेप नहीं है, जिसकी कोई शक्ल नहीं है।
आप उसको देखेंगे और उस तरीके की अगर कोई क्रिएचर आपके सामने आ जाए तो आप उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह ने फिर कैसे इंसान को अच्छे सांचे में ढाला, किस तरीके से उसकी सूरत, नाक, आँख, कान बनाए, तो आप देखते हैं इन पिक्चर्स और इमेजेस को तो आपको पता चलता है कि अल्लाह कितना बेहतरीन बनाने वाला है। इसी तरह अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं जो इंसान की खिदमत, उसकी सेवा के लिए, उसकी सर्विसेज के लिए हैं, जैसे हम देखते हैं जानवर है, घोड़े हैं, ऊँट है जिस पर इंसान सवारी करता है, तो वो उस लिहाज से जो उनका काम है, जिसके लिए उनको बनाया गया, वो बेहतर तरीके से अपना काम करते हैं और उनकी जो क्रिएशन है उसी तरीके से की गई है। इसी तरह हम देखते हैं बर्ड्स है जो आसमान में उड़ते हैं, हम देखते हैं जो मछलियाँ हैं समंदर के अंदर जो घूमती है, दरियाओं के अंदर घूमती है, तो उस लिहाज से उसको बनाया, हर चीज़ को बेहतर बनाया और हम सब चीज़ों को देखकर अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, सुभान अल्लाह। हम देखते हैं, हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने कैसे कैसी चीज़ें दुनिया के अंदर बनाई, इस कायनात में, इस यूनिवर्स में बनाई। तो अल्लाह ने कहा अल्लज़ी खलक फसव्वा, और जिसने पैदा किया और दुरुस्त बनाया, वल्लज़ी क़द्दर फहदा, और जिसने अंदाज़ा ठहराया फिर हिदायत की। यानी अल्लाह ताला ने अंदाज़ा ठहराया, इससे मुराद मुफस्सरीन यानी कमेंटेटर्स ने कहा है कि ये तकदीर के मामले में कि इंसान पैदा होगा, वो क्या खाएगा, कितना खाएगा, कैसे जिएगा, उसका फ्यूचर, उसका आगे की ज़िंदगी कैसे होगी, वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, इस बारे में अल्लाह ने सब कुछ यहाँ पर जो है लिख दिया, इस बात को यहाँ पर इशारा किया गया, फिर उसको हिदायत दी यानी उसको सच्चाई का रास्ता बताया, उसको अच्छाई का रास्ता बताया। तो यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, वो क्या करने वाला है अल्लाह उसको जानता है, दूसरा हिदायत दी मतलब उसको हिदायत का रास्ता बताया, सही रास्ता बताया, यानी दो रास्ते बता दिए, एक अच्छाई का और एक बुराई का, और उसके ऊपर छोड़ दिया कि वो किस चीज़ को अपनाता है। वल्लज़ी अखरजल मरआ, और वो जिसने चारागाह बनाई, चारागाह मतलब जो ग्रास होती है जिसको एनिमल्स खाते हैं और उससे वो फ़ायदा उठाते हैं, तो यहाँ एक इशारा है चारागाह बताने का कि इंसान को और दुनिया की जितनी भी क्रिएशन है, जिसको जो नीड है, अल्लाह ने वो सब प्रोवाइड किए हैं इंसान की सर्विसेज में। फजअलहु गुथाअन अहवा, फिर इसने इसे सिया कूड़ा करकट कर दिया। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो ग्रास होती है वो परमानेंट नहीं होती है, वो टेम्पररी होती है, वो कुछ वक्त तक हरी भरी रहती है और उसके बाद वो जो है कूड़ा करकट यानी कचरा बन जाती है, वो सूख जाती है और कोई फ़ायदे की नहीं होती है सिवाय कि उसको जलाया जाए, उसके बाद भी वो किसी काम की नहीं रहती। ये इस बात का इशारा है कि हर चीज़ जो बनाई गई है वो ख़त्म होने वाली है। और दुनिया की मिसाल भी कुरान में अल्लाह ने एक जगह ऐसे ही दी कि जैसे कोई लहलहाती खेती हो, फिर उसके बाद वो सूख जाए और चूरा चूरा हो जाए। तो दुनिया की ज़िंदगी ऐसे ही है, थोड़े वक्त के लिए गुजर रही है, इसके बाद ये सब ख़त्म हो जाएगा। मतलब उस घास की मिसाल से हम इसको देख सकते हैं। आगे कहा सनुक़रिउका फला तंसा, हम ज़रूर तुझे पढ़ाएंगे तो तू नहीं भूलेगा। अब इससे मतलब क्या है, यहाँ पर प्रेषित मोहम्मद यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहा है कि हम तुझे पढ़ाएंगे और तू भूलेगा नहीं। ये बात हम सभी जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये उम्मी थे, मतलब आपको पढ़ना लिखना नहीं आता था। प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना लिखना नहीं आता था, ये इस बात की दलील, प्रूफ है इंसानों के लिए कि जो आदमी पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, वो इतनी बेहतरीन किताब यानी कुरान अपने मन से, अपने दिल से नहीं लिख सकता। यानी ज़रूर ज़रूर ये किताब कुरान जो है अवतरित हुई है उस ईश्वर की तरफ से, उस अल्लाह की तरफ से, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, इसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बनाया, अपने हाथ से नहीं लिखा। बस ये बात साबित हो, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेषित मोहम्मद को यानी कि ऐसे इंसान को चुना जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ताकि कोई उनके ऊपर क्लेम ना कर दे कि किताब उन्होंने अपने मन से लिखी है। तो ये बात आप जान ले। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए अल्लाह ने कहा कि हम ज़रूर तुझे पढ़ाएंगे। यानी जो जिब्राइल एंजल थे वो कुरान की पंक्तियाँ लेकर आते अल्लाह के हुक्म से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाते, आप उसको याद करते और वो आपको याद हो जाती और आपको ऐसा याद करवाया कुरान को कि आप उसको कभी नहीं भूले। और वही सिलसिला आज तक, उस वक्त उसको लिख लिया गया और आज तक 1450 साल से वो कुरान हमारे सामने है जिसमें ज़र्रा भी एक लेटर की भी जो है तब्दीली नहीं की गई। तो ये कुरान के बारे में यहाँ पर कहा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इल्ला माशा अल्लाह,
انہ یعلم الجہر وما یخفا, مگر جسے اللہ چاہے وہ کھلی بات کو جانتا ہے اور اس پر اس بات کو بھی جو چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہاں جو ہم چیزیں یاد کرتے ہیں, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو چیزیں آپ یاد کرتے ہیں اس میں سے کچھ چیزیں جو آپ بھول جائے وہ بھی ہماری طرف سے ہوتا ہے. مطلب جن چیزوں کو آپ یاد رکھتے ہیں وہ بھی ہماری طرف سے ہیں, اور جو چیزیں آپ بھول جاتے ہیں تو وہ بیٹر نہیں تھا لوگوں کو چیز کو بتانا یا اس کا سامنے آنا, اس لیے ہم نے اس کو آپ کے دل سے بھلا دیا, یعنی اس کی ضرورت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کہی اور کہا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے, جو کچھ سامنے ہے, جو کھلا ہوا ہے اور جو چھپا ہوا ہے, جو پیچھے ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. پھر آگے کہا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, اور ہم تجھے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے, مطلب یہ بات چل رہی ہے, کمنٹیٹرز یعنی تب مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات چل رہی ہے, قرآن جب اوترت ہوتا تھا یہ گھڑی بڑی مشکل ہوتی تھی, پریشت محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے تھے, تو اس میں اللہ نے آپ کے لیے آسانی کی کہ سارا کا سارا قرآن آپ کو یاد ہوتا رہا بنا کسی تکلیف کے. پھر آگے کہا فذکر ان نفعت الذکر, سو تو نصیحت کر اگر نصیحت کرنا فائدہ دے, مطلب تو لوگوں کو بتاتے رہے, گائیڈ کرتے رہے, ان کو سجیشنز دیتے رہے, ان کو بات بتاتے رہے, قرآن بتاتے رہے, ہدایت کی بات بتاتے رہے, اگر انہیں نصیحت کرنا فائدہ دے تو. اب اس کا مطلب کیا ہے, مطلب کیا بات یہ ہے کہ اگر نصیحت کوئی لینا لے گا تو اس کو دی جائے, جو نہ لے اس کو نہ دی جائے, مطلب جو بات آپ کی مانے اسی کو قرآن کے بارے میں قرآن اس کے قرآن بتایا جائے یا اللہ کی بات اس کو بتائی جائے, اور جو نہ مانے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے, تو نصیحت کرتا رہے, لوگوں کو بات بتاتا رہے, اگر نصیحت کرنا فائدہ دے تو کچھ لوگوں نے اس کا غلط میننگ لیا. کچھ لوگوں نے اس کا غلط میننگ کیا لیا کہ اگر نصیحت دینا کسی کو فائدہ مند ہوتا ہے تو اس کو دو, اور جو فائدہ نہیں اٹھاتا ہے اس کو مت دو. تو یہ بات غلط ہے. نصیحت یعنی گائیڈنس کی بات جو بات چل رہی ہے تو یہ ہر ایک کو دینا چاہیے, قرآن کی بات ہر ایک کو پہنچانی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی بات ہر انسان تک پہنچانی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کون ہے جو نصیحت کو حاصل نہیں کرے گا. یہاں جو بات کہی گئی اگر نصیحت کرنا فائدہ دے, مطلب کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے کسی کو سمجھانے سے تو سمجھاؤ, ورنہ مت سمجھاؤ, یہ بات نہیں ہے. یہاں بات کیا ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیے سب کو, یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جن کو نصیحت فائدہ نہیں دے سکتی, جیسے ابو لہب. اب ابو لہب کو نصیحت فائدہ نہیں دیتی تھی, نصیحت یعنی جو گائیڈنس تھا اللہ کی طرف سے قرآن کا, وہ اس کو بتانا کوئی فائدہ مند نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں پروف ہو چکا تھا. سورہ لہب ہم نے تفسیر دیکھی ہے, سورہ لہب آپ دیکھیے, تبت یدا سورہ لہب کی تفسیر, کہ یہ سورت جب اتری اس کا جب اوترن ہوا تو یہ بات پروف ہو گئی تھی کہ ابو لہب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا, جس نے آپ کو بہت تکلیف دی, بہت ستایا, بہت نقصان پہنچایا, اب وہ ایمان لانے والا نہیں تھا, قرآن نے یہ بات کہہ دی تھی. تو اب یہ پروف ہو چکا تھا, اوپر سے اوترن ہو چکا تھا, اللہ کی طرف سے پیغام آ چکا تھا, میسج آ چکا تھا کہ آپ ابو لہب نہیں ماننے والا ہے. تو ایسے آدمی کو سمجھانا بتانا کوئی فائدہ مند نہیں ہے. لیکن ہم آج کے دور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی بات نہیں سننے والا ہے اس کو مت سمجھاؤ, نہیں, کیونکہ ہم نہیں جانتے اس کے دل میں کیا ہے, اور نہ اوپر سے ہمارے اوپر کوئی اوترن ہوا ہے, کوئی ریولیشن آیا ہے کہ اس کو مت سمجھاؤ یہ کوئی فائدہ, کیونکہ وہ چیز ہم نہیں جانتے. اس لیے قرآن نے یہ جو بات کہی یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتاتے رہتے رہنا ہے سب کو, جس کے بارے میں دلیل آ گئی, پروف ہو گیا کہ وہ اب ماننے والا نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کو بتا کر کوئی فائدہ نہیں ہے. ورنہ عام طور پر آپ کسی بھی شخص کو بار بار یہ بات سمجھاتے رہیں گے کہ اللہ کون ہے, اس دنیا کا پرپس کیا ہے. جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70ویں مرتبہ میرے پاس نہ آتے تو شاید میں ایمان نہ لاتا, مطلب 70 ٹائم سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا. چلیے سیذکر من یخشا, ان قریب نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں, ایشور سے گاڈ سے بھے رکھتے ہیں دل میں کہ ایک دن ہم کو حساب دینا ہے, جواب دینا ہے, ہم کو جانا ہے اپنے رب کے پاس, حساب و کتاب ہونے والا ہے,
मरने के बाद क्या होगा, जो इस बात पर सोचते रहते हैं वो ज़रूर सच बात को फौरन मानते हैं। वयतजन्नबुहल अशका, और इससे अलहदा रहेगा वो जो बड़ा बदनसीब है, मतलब वही शख्स इस बात को नहीं मानेगा जो बड़ा बदनसीब है, मतलब जो वाकई में अपना लॉस करने वाला है। अल्लज़ी यसलन नारल कुबरा, जो सबसे बड़ी आग में दाखिल किया जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी आग जो कहा गया है ये जहन्नम की आग यानी नर्क की आग है, जैसे हदीस में है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो आखिरत की आग यानी जो जहन्नम की आग है वो 69 टाइम्स ज़्यादा ग्रेटर है दुनिया की आग से। 69 टाइम्स, हम देखते हैं दुनिया की आग कितनी ख़तरनाक है। हम इससे पहले जो पहले चैप्टर गुजरा है हमने उसमें डिटेल इसको देख चुके थे, तो कहा कि उससे वो 69 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا, फिर वो ना इसमें मरेगा और ना ज़िंदा रहेगा। हम जानते हैं ये बात, ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا वला यहया, ना वह मौत है ना ज़िंदगी है, बस एक यातना है, बस एक पनिशमेंट है, एक पेन है, एक तकलीफ़ है। क़द अफलह मन तज़क्का, बेशक वो कामयाब हो गया जो पाक हो गया। कामयाब हो गया जो पाक हो गया, मतलब जिसने अल्लाह की बात को मानी, अल्लाह पर ईमान लाया, एक अल्लाह एक सच्चे ईश्वर की इबादत की, उसको माना, उसकी पूजा और उपासना की, और वो अच्छे अमल अच्छे कर्म करता रहा और इस हालत में उस दुनिया से चला गया, तो ये शख्स क्या हो गया, कामयाब हो गया। वज़कर रब्बी ही फसल्ला, और इसने अपने रब का नाम याद किया पस नमाज पढ़ी। बल तुसिरून अलहयात दुनिया, बल्कि तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो। अल्लाह ने कहा कि नहीं नहीं, लोग जो बात नहीं मानते हैं, जो उस यातना में उस अजाब में उस नरक में जाने वाले, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है बल तो फिरून अल हयात दुनिया, कि तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। मतलब जो तुम बातों को नहीं मानते हो, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत तुमको इतनी ज़्यादा हो गई है, ये वर्ल्डली लाइफ वर्ल्ड्स लव जिसको हम कहते हैं, ये इतनी ज़्यादा हो गई कि तुम इस वजह से सच को नहीं मान रहे हो। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेंगी, या इस सच को ट्रुथ को जब मैं मानूंगा तो मेरा ऐशो आराम चला जाएगा, लोग दुश्मन बन जाएंगे, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगे, तकलीफ़ उठाना पड़ेंगी, और इसी तरह और भी रीजंस जो लोग अपने सामने रखते हैं, वो दुनिया में ही रहना चाहते हैं, जबकि दुनिया क्या है, टेम्प्ररी है। हम दुनिया के लिए टेम्प्ररी है, एक दिन हमको जाना है। दुनिया हमारे लिए टेम्प्ररी है, एक दिन दुनिया भी ख़त्म होगी। जैसे घास की मिसाल पहले ली थी कि वो हरी भरी होती है, फिर अल्लाह ताला उसको कूड़ा करकट कर देता है। तो कहा कि दुनिया की मोहब्बत जो है तुमको ये सारी चीज़ों से दूर रखती है। वल आखिरत खैरुन व अबखा, जबकि आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। जो आखिरत है यानी मरने के बाद की जो ज़िंदगी है वो रियल लाइफ है, वो कभी एंड नहीं होने वाली है, जिसकी मिसाल जो है प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बेहतरीन बताई। कहा कि कोई शख्स अपनी उंगली को पानी में डुबो कर निकाले तो उसकी उंगली को जितना पानी लगा है ये दुनिया की ज़िंदगी है, और जिस समंदर में उसने पानी के अंदर जो उंगली को डुबो कर निकाला है वो दुनिया जो है वो आखिरत की है, वो आखिरत की ज़िंदगी है, और जो पानी लगा है वो दुनिया की ज़िंदगी है। आप कंपेयर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आखिरत की ज़िंदगी है, बहुत ज़्यादा। इन हाज़ा लफ़ सुहफ़ अल-ऊला, बेशक ये बात यकीनन पहले सहीफ़ों में मौजूद थी। पहले की सहीफ़े मतलब पहले के रिविलेशंस, पहले के जो अवतरण थे, जैसे तौरात जिसको तौरा कहा जाता है, ज़बूर, साम जिसको कहा जाता है, इंजील जिसको आज गॉस्पेल कहा जाता है, आज जो पूरे बाइबल के हिस्से हैं, इसके अलावा भी और जो कुछ रिविलेशंस दूसरे प्रॉफेट्स पर, दूसरे नबियों पर और मैसेंजर्स पर आए, जैसे अल्लाह ताला ने कहा सुहफ़ इब्राहीम व मूसा, और जैसे इब्राहीम जो कि एक प्रेषित थे और मूसा जो एक प्रेषित थे, इनके ऊपर जिस तरह से ये अवतरण हुआ था, अल्लाह ताला ने जो आयतें भेजी थी, अपनी निशानियाँ भेजी थी, तो ये जो बातें बताई जा रही है ये उसमें भी मौजूद थी। क्या ये लोग सोचते नहीं इसका मतलब, ये गौर करने के लिए अल्लाह ने बात यहाँ पर कही। ये था सूरे आला का मैसेज कि इंसान सच को पहचाने, अल्लाह की तारीफ़ और बड़ाई और शुक्र अदा करे, अल्लाह को याद करे, आखिरत को याद करे, सच्चाई ट्रुथ को एक्सेप्ट करे,
और जो है बुराई और उसके इनकार से बचे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।